बात करते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से परियोजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें हमारी जो कोई कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब होती है उस एरिया में। लेट से अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर उदाहरण देखें तो टिहरी डैम का उदाहरण मैं देखता हूँ। टिहरी डैम में क्या हुआ, जो पुराना टिहरी शहर था वो पूरा डूब क्षेत्र में आ गया था। तो सरकार ने क्या किया, उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन एरिया डेवलप करी, ठीक है, एक नई टिहरी का निर्माण हुआ। तो इस तरह के रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन मुद्दे जो है हमारे पुराने टाइम से ही चले आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वेरी इसेंशियल, आप जैसा कि जानते हैं कि डेवलपमेंट जरूरी है और डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज। आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं हम लोग डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो मोस्ट अफेक्टेड लोकल पीपल होते हैं, वहाँ के जो नेटिव पीपल होंगे वो इसमें अफेक्ट करते हैं, जो कि पुअर भी होंगे और डिपेंड भी करेंगे सरकार पे कि हमको रिसेटलमेंट किया जाए उनका रहने का। और ये जो रिसेटलमेंट और डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस जगह पे होता है, जहाँ पर आपके डैम बनते हैं जिससे अन्य क्षेत्र डूब क्षेत्र में आता है। आपकी ऐसी बहुत सी माइनिंग साइट्स हैं जहाँ पर इस तरह का रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट एरिया और हैं, कोलिंग माइंस हैं और दूसरी एरियाज हैं जहाँ पर से लोगों का रहना फिर उसके बाद संभव नहीं रहता है, तो उनको रिहैबिलिटेट करती है सरकार, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। इसके लिए सरकार ने, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक नेशनल पॉलिसी डेवलप की 2003 में, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली। यानी कि इस तरह की जो प्रोजेक्ट एरियाज हैं वहाँ पर जो परिवार हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं उनके रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए एक पॉलिसी का इजाद किया गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट यानी कि मूवमेंट बहुत कम से कम हो, यानी कि बहुत से कम परिवार उसमें अफेक्ट हो, और उस एरिया को आइडेंटिफाई करना जहाँ पर इनका रिहैबिलिटेशन किया जाए, यानी कि इनका अल्टरनेट सोर्स ऑफ लिविंग या हैबिटेट ढूंढा जाए, उसके बाद उनका प्लानिंग की जाए रिसेटलमेंट की, प्रॉपर प्लानिंग के तहत उनका रिसेटलमेंट हो। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया आपको नई दिल्ली में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस शहर को बसाया गया है सरकार के द्वारा। उसके अलावा जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके रिहैबिलिटेशन की, और उनको बहुत बेहतर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए उनका। तो इस तरह से सरकार ने इस पॉलिसी का बनाई जो 2003 में है, और उसके बाद 2007 में इसको नेशनल पॉलिसी ऑन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट का नाम दिया गया। तो ये था रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन ड्यू टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ फॉर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन और एनी कंट्री। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बात करी थी क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट क्या है, किसी भी एरिया का एक एवरेज मौसम की जानकारी, एक उस पर्टिकुलर एरिया की वेदर के बारे में बताना। टू कंट्रोल द टेम्परेचर, इवेपोरेशन रेट, सीजन और मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, ये जो वेदर है वो कंडीशन हम किस तरह से मानेंगे, किसी, जैसे हम बात करते हैं अगर किसी क्षेत्र की, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उसके क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो पुराने 30 साल का डेटा लेंगे। बात करते हैं हम अगर सन 1970 की, 1970 से लेकर के सन 2000 तक उत्तराखंड का क्लाइमेट क्या था, फिर हम बात करेंगे 2001 से लेकर के 2030 तक। तो ये 30 साल का क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया आज की डेट में, तो वो बात करते हैं कि पुराने 30 सालों में क्या क्लाइमेट था वहाँ का, और अब की डेट में
और अब आने वाले 30 सालों में इसका क्लाइमेट में कितना चेंज हो गया। तो ये क्लाइमेट चेंज डिफाइन करता है कि किसी भी एरिया का पिछले 30 सालों में जो क्लाइमेट में चेंज हुआ है वो करंटली चेंज ऑफ क्लाइमेट कहलाएगा उस एरिया। फिर क्लाइमेट चेंज जब होगा तो क्या होगा ग्लोबली हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा जिसे हम क्या कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ओवरऑल इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय अ फ्यू डिग्री इन हाउ मेनी टाइम, काफी समय बाद। ठीक है, इट हैपेंस व्हेन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, जो हीट कर रही हैं और जो हमारी सूर्य से जो लाइट यानी कि गर्मी आती है उसको एटमॉस्फेयर में ही क्या कर देती हैं, स्टक कर देती हैं, जिससे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, जो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए जरूरी होता है, ये नहीं होंगी तो फिर दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो गया है, इन गैसों की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, जिस वजह से सूर्य का तापमान जो कि वापस होना था एटमॉस्फेयर से वो स्टक कर जाता है, जिससे हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और ये अफेक्ट क्या कर रहा है, हमारी पीपल यानी लोगों को अफेक्ट करता है, एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा है और सबसे मेन हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है, जिस वजह से क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के एविडेंस क्या है, जो हमारे सरकारी आंकड़े कहते हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट 2007 में पब्लिश हुई थी, उसने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो लगभग 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। और इसी तरह से अगर हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो आप जानते हैं कि इस पृथ्वी की दशा क्या हो, क्या होगी, हमारे ग्लेशियर मेल्ट होंगे, हमारे जो वाटर लेवल है सी का वो बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं तो ये इस तरह के इफेक्ट्स क्या करेंगे हमारे, किस कारण से होते हैं, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी कि जो हमारा मनुष्य का दखल है अनसस्टेनेबल मैनर में पर्यावरण के साथ, जो कि हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, हमारे वहाँ ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की। जैसे मैंने बात करी जो हमारी जीएचजी हैं, ग्रीन हाउस की गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली अकरिंग प्रोसेस दैट एड्स इन हीटिंग द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारी पृथ्वी को नेचुरली हीट करती हैं और एटमॉस्फेयर और अर्थ का सरफेस को हीट करती हैं, यानी कि पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, ये जो है ये these are able to change the energy balance of planet by absorbing long wave radiation emitted from earth। यानी कि जो हमारे अर्थ सरफेस से जो हीट है उसकी जो लॉन्ग रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन इन गैसेस में बहुत ज्यादा अधिकता होगी तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। और इसमें इनबैलेंस होने का मतलब है पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और जिस तरह से मैंने एविडेंस की बात कही थी, जो हमारा 1 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा है वो इस तरह का एविडेंस है क्लाइमेट चेंज का।
उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस, मतलब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो हमारा जो विंड का करंट पैटर्न है उसमें चेंज आने देखने को मिलेगा। जो हमारा ओशन करंट का जो पैटर्न है वो चेंज होगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने बात की कि सी लेवल राइज हो जाएगा और जो बाढ़ है, सूखा है, तूफान है, इन तरह के मामले बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। और इस इफेक्ट का थोड़ी बहुत अगर मैं उदाहरण देखूँ, इन चित्रों के माध्यम से आप देखने की कोशिश करें, जो हमारे पोलर बियर हैं वो इस कंडीशन में आ जाएंगे भविष्य में अगर इस तरह के क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग रही तो। हमारे जो शहर हैं वो डूब जाएंगे। और एक कार्टून के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है कि एक फिशमैन है जो फिशिंग कर रहा है वहाँ पर, और शार्क दिखा रखी है, जो शार्क आपस में बात कर रही है। इट इज़ गुड न्यूज़ एट द करेंट रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो पर वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का रेट है, वी शुड वेरी क्लोज टू जस्ट स्विम ओवर देम, यानी कि हम इनके ऊपर तैरेंगे और इनको जो आज हमारा शिकार कर रहे हैं हम इनका शिकार कर पाएंगे। तो इस तरह के उदाहरण मात्र एक चित्र के माध्यम से मैंने उदाहरण देने की कोशिश करी थी कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या मेन इफेक्ट्स हमको भविष्य में देखने को मिलेंगे अगर मनुष्य जाति भविष्य में सचेत नहीं हुई तो, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होंगे? रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसको हम रिन्यू कर सके। मैंने परसों नेचुरल रिसोर्सेज में हमको बात करी थी कि रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन पर हम बात कर रहे थे, आपका जो सोलर एनर्जी है उसका यूज कर सकें हम, और आपका विंड एनर्जी है उस पर हम लोग काम कर सकें, बायोफ्यूल, जैसे कि मैं बता रहा था आपको शुगर केन से बायोफ्यूल डेवलप कर रहे हैं साइंटिस्ट। उसके अलावा एक आपका अल्टरनेट आपका आता है जेट्रोफा, उससे भी बायोफ्यूल बनता है। बहुत ज़्यादा हमको वनीकरण करना चाहिए, और जो हमारे CFC का यूज़ है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे फ्रिज AC में ज़्यादातर यूज़ होता है, उसका कंजम्पशन हमको यूज़ कम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा फ्यूल के लिए हमको अल्टरनेटिव सोर्स यूज करने पड़ेंगे, हमको वनीकरण ज़्यादा करना पड़ेगा, जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन है उसको सिक्वेस्ट यानी कि सोखने के लिए, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम इन मुद्दों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इंडिया के बारे में, तो आप जानते हैं कि इंडिया एक विकासशील देश है। इंडिया इज द होम ऑफ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पुअर एंड क्लाइमेट चेंज विल हिट दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी द हार्डेस्ट। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा। क्यों? अब आने वाले समय में देखिएगा, इंडिया जो है वर्ल्ड का नंबर वन देश होगा जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक होगी। अभी तो चाइना है नंबर दो पे है, नंबर एक में बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि इंडिया नंबर एक में पहुँच जाए, ठीक है। सेट टू बी द मोस्ट पॉपुलेशन नेशन इन द वर्ल्ड बाई 2045, द इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज विल बी मैसिव फॉर इंडिया। जो इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल प्राइस है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमारे वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी नीड्स ज़्यादा होंगी, नीड्स ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, हमको उसका कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमारा देश विकासशील देश है, वैसे ही आप जानते हैं कि विकासशील देश है तो कितने ही, अभी आज की डेट में महंगाई है तो आने वाले समय में क्या हाल होगा, एक ग्लोबल वार्मिंग आपको भी समझ। तो इस तरह से इंडिया इज मेन एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ कोल विद द कोल विद द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडिया में कोल के रिसोर्सेज तो हैं लेकिन क्लाइमेट चेंज का एक थ्रेट भी है। इंडिया इज कॉल्ड अपॉन द टू चेंज इट्स एनर्जी स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कोल, इट्स मोस्ट अबंडेंट रिसोर्स एंड यूज टू अदर एनर्जी सोर्सेज, यानी कि कोल की खाने हमारे वहाँ ज़्यादा हैं तो अदर एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऑयल, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी की जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो महंगे रिसोर्सेज हैं उससे, उसके यूज़ से हम लोग बच सकते हैं, जिससे हमको प्राइस भी कम चुकाना पड़ेगा और हमारा अल्टरनेट रिसोर्स होगा एनर्जी के लिए।
अब इन सब मुद्दों के लिए हमारे लिए हमारा जो देश है उसने कुछ लेजिस्लेशन हमारे संविधान में किए हैं। तो उसके लिए मैं बात करूं, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ मेड प्रीवियस प्रोविजन फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन की बात कही है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 48A, 48A की आप अगर बात करेंगे तो द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 48A कहता है कि हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए, वनों की रक्षा करनी है और इसके साथ साथ हमारी वाइल्ड लाइफ का भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 51A की, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। यह भारत के हर नागरिक की कर्तव्य बनता है कि वो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करें, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में अपनी भागीदारी करें, जिससे हमारे वन, हमारे जो तालाब हैं, हमारी जो नदियां हैं और जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, वन्य जीव जंतु हैं, इनको बचाया जा सके। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि जो मनुष्य है उसका जंगलों से सीधा संबंध है, उसका जल से यानी कि हमारे नदियों से संबंध है, हमारे जो तालाब है उससे संबंध है, इवन वाइल्ड लाइफ से भी हमारा संबंध है। जैसे कि आपको हमारी कलीग डॉक्टर बीना ने समझाया था कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपको समझाई थी, आपको इकोलॉजिकल जो आपका रिलेशनशिप है ह्यूमन के साथ वो समझाया था, उसमें क्या था, खाद्य जाल था, खाद्य श्रृंखला है। तो वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो इस तरह से हमारे संविधान में भी जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कही गई है, लेकिन धरातल पे कितनी उतरती है हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना फॉलो करते हैं। तो इन सब रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट्स हैं जो लागू होते हैं हमारे देश में, वो एक्ट्स की लिस्ट ये है जिसके बारे में हम भविष्य के लेक्चर में बात करेंगे। जो है नंबर एक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसके द्वारा हम लोग अपने वन्य जीव को संरक्षित कर सकते हैं। आप आज की डेट में देख सकते हैं किसी भी वन्य जीव जंतु का शिकार करना कानूनन अपराध है। इस एक्ट के माध्यम से वो राइट मिला है हमारे वन्य जीव जंतुओं को कि उनका इलीगल किलिंग ना हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वाटर एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी कि किसी भी जलीय जल रिसोर्सेज यानी हमारा जल का जो स्रोत है, हमारी वाटर बॉडीज हैं, उसको ना हम पॉल्यूटेड कर सकते हैं, उसके लिए भी कानून बना है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, हमारे वनों की रक्षा के लिए जो एक्ट बना है 1980, इलीगल फेलिंग नहीं हो सकती, वन जो हमारे आज की डेट में बचे हुए हैं वो इसी एक्ट की वजह से बचे। उसके बाद हम बात करते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। सेम जिस तरह से जल का पॉल्यूशन ना हो उसी तरह से वायु प्रदूषण के लिए भी एक एक्ट बनाया गया है जो कहलाता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, जो हमारे कारखानों से जो विषैला धुआं निकलता है, यही एक्ट जो है वो कंट्रोल करता है कि हमारी वायु प्रदूषित ना हो। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पूरे पर्यावरण की रक्षा के लिए जो हमारा एक्ट है 1986। एनवायरमेंट यानी कि हर रिसोर्सेज, हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, उसके अंदर में ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना है। उसके अलावा बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998, बायोमेडिकल बेस्ड बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसके द्वारा जो हमारे अस्पतालों में जो कचरा होता है, जो अनहाइजीनिक होता है, जिसके हमारे पर्यावरण में पहुंचे रहने से मनुष्य जाति को सबसे डायरेक्टली अफेक्टेड होगी इसमें, हमारी मनुष्य जाति और वन्य जीव जो तो होंगे ही।
तमाम तरह की बीमारी उससे फैलने के कारण रहते हैं, तो इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्रॉपर उसका डिकम्पोजिशन हो, उसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 का एक्ट है। उसके बाद आज हम बात करते हैं तो द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000। सन 2000 में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स बनाया गया, जिसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र हैं या अन्य जगह क्षेत्र हैं जहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत जो समाज जो कूड़ा कॉमन रूप से मिलता है उसका निस्तारण होना है। उसके अलावा जो हमारा टॉयलेट से जो पानी जाता है उसकी प्रॉपर जो सीवरेज प्लांट्स हैं वो डेवलप होते हैं, तो इस रूल्स के माध्यम से उस वेस्ट का मैनेजमेंट हमको करने को मिलता है। उसके अलावा नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2002, जो हमारा नॉइज पॉल्यूशन है कि ऊंची आवाज में हमको कहीं पर कुछ जो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं वो प्रोहिबिटेड किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002। बायोडाइवर्सिटी आप समझते हैं कि हमारे बायोडाइवर्सिटी से मैं आपको बताना चाहूँ कि जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हमारे पाई जाती हैं, चाहे वो पौधों की हों, जीव जंतुओं की हों, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की हों, उनको कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है बायोलॉजिकल कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, जो हमारी विभिन्न जैव विविधता है उसको संरक्षित करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002 बनाया गया। तो ये कुछ सामाजिक मुद्दे थे और उसके इफेक्ट्स मैंने आपको बताया और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते, और उस सॉल्यूशन के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के एक्ट्स हैं जो इनको संरक्षित करने में कानूनी रूप से हमारे लिए आवश्यक हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही।